नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार सुबह 11 बजे से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की है और इस दौरान आम आदमी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने जमकर ड्रामा किया। सीबीआई दफ्तर के सामने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पेशी के साथ अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो उनके गले की फांस बन सकते हैं और सीबीआई पूछताछ के बाद ईडी भी क्या उन्हें सम्मन भेजेगी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय सरदाना जी। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बहुत कुछ सोचा था अरविंद केजरीवाल ने आज की सीबीआई दफ्तर जाएंगे, पूरा तामझाम था, पूरा बंदोबस्त था, कैसे मंत्रियों, विधायकों की फौज के साथ जा रहे हैं, जाना है, पूरे टीवी पर छाए रहेंगे, लेकिन अतीक अहमद और अशरफ अहमद की खबरों को जिस तरह से पूरे मीडिया में लगातार दिखाया जा रहा है, तो केजरीवाल साहब के तो सारे प्लान धरे के धरे रह गए आज। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, और आप क्या कहेंगे, किसी का प्लान नहीं था, किसी ने जो प्लान किया था वो हुआ नहीं, जो नहीं प्लान था वो हो गया, यही डेस्टिनी है। और इसीलिए तो हमारे ग्रंथों में यही तो बात कही गई है कि आप सिर्फ फोकस काम पे करिए, बाकी चीजों पे दिमाग मत लगाइए, वो एक डेस्टिनी भी चीज है जो आपके हाथ में नहीं। और आज अगर केजरीवाल साहब ये सोच के गए थे कि आज वो दिन भर चर्चा का विषय रहेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको तो अभी तक हेडलाइन भी नहीं मिली है, तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब कोई अच्छे काम के लिए तो गए नहीं, अगर वो अच्छे काम के लिए गए होते और हेडलाइन नहीं मिल रही होती तो हम कंपैरिजन कर लेते कि भाई बाकी लोग क्रिमिनल्स को कवर कर रहे हैं लेकिन एक नोबल कॉज को कवर नहीं कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट बन सकता था। लेकिन यहाँ वो स्थिति है नहीं, यहाँ तो स्थिति ये है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो एक तरह का क्राइम ही है जिसके जस्टिफिकेशन और अपना पक्ष रखने के लिए आप गए हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसमें। सर, पिछले दिनों से जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है या फिर जो साउथ की लॉबी है उसके बहुत से लोगों से पूछताछ हो रही है, कि कविता से ईडी दो दो बार पूछताछ कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या वो सीएम है और उस आबकारी पॉलिसी की फाइल पर उनके दस्तखत हैं या नहीं, उन्होंने हरी झंडी दी या नहीं, यही एक बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें आज सीबीआई को देने पड़े होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब इतने सारे गवाह और इतने सारे दस्तावेज और उसके बाद इतने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, तो इस समय तो सीबीआई और ईडी के पास तो जखीरा है, और टाइम इसीलिए लग रहा है कि इतने सारे एविडेंसेस हैं जिनको कोरोबरेट करना है, और क्योंकि सारे के सारे एजुकेटेड एक्यूज्ड हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप अनाड़ी मान सको। टेक्निकली ये वाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोगों ने सोफिस्टिकेटेड वे में क्राइम किया है, तो जब आप वाइट कॉलर क्राइम्स के ऊपर काम करते हैं तो आपको जो डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सजगता होती है, क्योंकि वहाँ कोई अनपढ़ आदमी ने कोई आराम से एविडेंस तो छोड़े नहीं है। और ये ऐसा भी काम नहीं है कि जिसमें आपके पास सीसीटीवी फुटेजेस हों, ये तो सारा काम इंटरनेट और साइबर स्पेस में हुआ है, और कहीं कहीं पे फिजिकल एविडेंस भी है, तो इन सबको कोरोबरेट करना, क्योंकि जब आप साइबर स्पेस की बात करते हो तो फिजिकल एविडेंस को कोरोबरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें गैप्स आ जाते हैं कि मान लीजिए मैंने आज आपसे बात करी फोन पे या फिजिकली मैं आपसे मिला और फिर मैं 10 दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ, तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है ना कि देखिए ये लोग 10 दिन बाद मिले तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने मिल के क्राइम किया था, ये तो मिले 10 दिन बाद रहे तो क्राइम तो 5 दिन बाद हुआ था, तो ये दोनों कैसे मिले हुए थे, तो मिले ही नहीं। लेकिन अब ये भी तो पता करना पड़ेगा कि क्राइम करने के लिए अब मिलना जरूरी नहीं है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, इंटरनेट पे भी हो सकता है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, और 50 तरीके हैं आज, किसी और के फोन से भी बात हो सकती है, जरूरी थोड़ी अपने फोन से ही हो, तो ये सब चीजें कोरोबरेट करने में आजकल थोड़ा सा टाइम लगता है, और यही कारण है कि केजरीवाल साहब तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सब चीजें कोरोबरेट की होंगी,
क्योंकि आप अगर चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं तो यू कैन नॉट बी हाफ प्रिपेयर्ड। आप किसी भी, चाहे वो कोई भी बंदा वहां बैठा हो, आप मजाक के लिए तो सीएम को बुलाएंगे नहीं, ना उसका टाइम खराब करेंगे, ना आप किसी सीएम को बुला के इस तरह का इंसल्ट करेंगे, बोथ आर रॉन्ग। तो जब तक कोई कंपल्सिव रीजन नहीं होगा तब तक आप नहीं बुलाएंगे। और यही आज स्थिति है कि सीबीआई के पास शायद कंपल्सिव एविडेंसेस हैं जिसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने सीएम साहब को बुलाया। सर 2020 के आसपास जब ये पॉलिसी बनी थी, जिस वक्त कोविड काल कायदे से देखा जाए दिल्ली में चल रहा था, उस वक्त ये पॉलिसी बनाई गई थी। और फिर बीच में जो सी अरविंद है उनके भी स्टेटमेंट्स सीबीआई ने और ईडीआई ने रिकॉर्ड किए, जिन्होंने ये कहा कि जो बैठकें होती थी उस वक्त जीओएम की, उसके मिनट्स तक गायब कर दिए गए। और उसमें ये जो प्रॉफिट मार्जिन था इसको लेकर कभी चर्चा नहीं हुई, कैसे रिटेलर्स को या फिर होलसेलर्स को फायदे पहुंचाए जा रहे इसकी बात नहीं हुई, लाइसेंस को बात नहीं हुई, लाइसेंस को लेकर बात नहीं हुई। तो क्या ये सारी चीजें भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हैं? देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रक्रिया है, और जब आप सरकारी सिस्टम में काम करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। ये कोई केजरीवाल साहब की पर्सनल सरकार नहीं है, ये उनका कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट कि वो जैसे चाहे चला ले। ये एक दिल्ली सरकार है और जनता ने उस सरकार को चलाने की जिम्मेवारी इस बार आम आदमी पार्टी को दी है, बस इतना ही फर्क है। सरकार रहती है, केजरीवाल साहब रहें या नहीं रहें, सरकार तो रहेगी दिल्ली में। कोई भी सीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार की नाम की तो एंटिटी इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो तो नहीं हटती। अगर मान लीजिए सीएम ने रिजाइन भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली सरकार रहेगी, एलजी के पास चार्ज चला जाएगा। अगर एलजी नहीं रखना चाहते हैं, वो किसी और को डेलीगेट करना चाहते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को कह देंगे टाइमिंग आप चलाइए, या किसी और पार्टी के एमएलए एमपी को कहेंगे आप सेलेक्ट करके एक लीडर दे दीजिए जो टाइम गैप चलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार हमेशा रहती है, सीएम रहे या ना रहे। तो सरकार जब रहती है तो सरकार के काम करने के एक तरीके हैं, और अगर केजरीवाल साहब ने सरकार के काम करने के तरीके को नहीं समझा और नहीं फॉलो किया तो क्राइम है ही भाई। आप सिस्टम कैसे तोड़ सकते हो, आप कोई खुदा तो नहीं हो, और आपको ये अधिकार दिया किसने कि आप सरकारी काम के अंदर दखलंदाजी करें, आप चाहे सीएम भी हो। तो ये बात तो बहुत क्लियर है। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर चुनौती है केजरीवाल साहब के लिए और उनके मंत्रिमंडल के लिए कि इस तरह की अराजकता की स्थिति पैदा क्यों करी आपने। और अगर आप इस केपेबिलिटी के नहीं है कि यू कैन फॉलो ए सिस्टम, देन यू शुड रिजाइन एंड गो। तो इसमें तो कोई मर्सी ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि ये किसी की पर्सनल एसेट नहीं है। तो ये बात तो बहुत क्लियर। और अगर आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लिए हैं तो जो कंसर्न सेक्रेटरीज हैं, तो वो अगर वो मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है तो कंसर्न सेक्रेटरीज की जवाबदेही है। और अगर कंसर्न सेक्रेटरीज ने मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बनाए हैं तो उसका मतलब एक एजम्पशन, ये हाइपोथेसिस हो सकता है कि ये मीटिंग हुई ही नहीं। तो जब ये मीटिंग हुई ही नहीं, इस पर डिसीजन हुए ही नहीं, तो ये पॉलिसी बनी कैसे? इसका मतलब ये फिक्टिशियस पॉलिसी किसी ने अपने हिसाब से बना के प्रेशराइज करके लॉन्च करने की कोशिश करी विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। तो जो वो लोग थे इस क्रिमिनल एक्ट में, वो सब लपेटे में आने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। तो रूल्स आर वेरी क्लियर, गवर्नेंस मन मूड से नहीं चलता है, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। बस इतना फर्क अगर इनको समझ में आ गया होता तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्खताएं ये लोग नहीं करते। लेकिन फिर आप ये देखिए कि पिछले दिनों जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहे थे या उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि किसी ना किसी चीज के लिए वो बेस तैयार कर रहे हैं। और अब उन्होंने जब उनको समन मिला फिर वो कहना शुरू कर दिया कि देखिए मैं पूछ रहा था, बोल रहा था, इसलिए मेरे को भी समन भेज दिया गया। और फिर वो जो सवाल उठा रहे थे अभी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो जब कोई जांच एजेंसी काम कर रही है और आपने सच में कुछ नहीं किया है तो आपको चुपचाप से पूछताछ के लिए हाजिर हो जाना चाहिए, कायदा तो यही कहता है, आपको इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी। केजरीवाल तो यहां तक कह रहे थे कि अगर मैं या केजरीवाल ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट है, तो फिर तो दुनिया में कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। तो ये कैसी स्टेटमेंट है?
सेल्फ ग्लोरिफिकेशन उनकी तो शुरू से आदत रही है, उनको लगता है दुनिया में उनसे ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उनसे ज्यादा शार्प, उनसे ज्यादा ईमानदार कोई हो ही नहीं सकता। ये तो इस दुनिया के प्राणी है ही नहीं, ये इनके तो जीन्स ही अलग है जिसमें सिर्फ ईमानदारी लिखी हुई है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की आदत इनकी आज की नहीं है, इनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि ये अन्ना आंदोलन के समय में जो जनता ने इमोशनल होके आपको सपोर्ट दे दिया था तो जनता पूरी जिंदगी वैसे के वैसे मूर्ख रहेगी, ये शायद इस गलतफहमी में। केजरीवाल साहब को ये बात समझ आई नहीं रही है कि यार वक्त के साथ लोग सीखते हैं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कांट पीपल फूल पीपल ऑल द टाइम। ये आप किस गलतफहमी में भाई, राजनीति की यही तो या डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है, आपको जनता ने सरकार में लाए, आपने अच्छा काम करने का वादा किया था, आपको मौका दिया, आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको निकाल बाहर फेंका, यही तो डेमोक्रेसी में होता है। फिर अगली बार आपको लगेगा कि नहीं हमने तैयारी कर ली, हम दोबारा जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता फिर आपके प्रपोजल को रिव्यू करेगी और फिर देखेगी कि आपको मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये मान लेना कि एक बार हमें जनता ने सिर पे बैठा लिया तो हम उसके दामाद हो गए और हम जो चाहे नाटक करें, ऐसे नहीं चलता है। वक्त के साथ जनता के सामने भी एविडेंस आए, अगर जनता इतनी ही विचलित होती तो कितने लोग समर्थन में सड़क पे उतरे, कितने लोग गए, यही आम आदमी पार्टी के 150 लोग बैठे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के अंदर हुजूम हो गया और सब तरफ से हंगामा हो रहा होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो सोशल मीडिया भरा हुआ होता उन जलूसों की फोटोज का लेके, कहीं देखा आपने, मेन लाइन मीडिया भी वही कर रहा होता, वहां सब अतीक के मर्डर के केस को लेके नहीं बैठे होते। इसका मतलब केजरीवाल साहब आज की तारीख में अतीक वर्सेस, अगर मैं केजरीवाल का अगर कंपैरिजन करूं कि हु हैज मोर वैल्यू देन अतीक, हैज मोर न्यूज वैल्यू देन सिटिंग पीएम, ए डेड क्रिमिनल हैज ए मोर न्यूज वैल्यू देन ए सिटिंग सीएम, लेट मी पुट दैट वे, करेक्ट, आई एम टू करेक्ट दैट, नॉट पीएम बट सीएम। तो मेरा ये कहना है कि ये तो समाज दिखा ही रहा है ना कि आपकी वर्क क्या है, आपकी डेप्थ क्या है। अब आप कमरे में खड़े होके अपने टीवी के आगे चिल्लाते रहो, देश का एक एक बच्चा मेरे साथ है, एक एक आदमी मेरे साथ है, सारे मोदी से नफरत करते हैं, अब ठीक है, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने चाहिए, क्या दिक्कत है, उसमें कोई पाबंदी थोड़ी है। संविधान में सपने देखने में पाबंदी नहीं है, और सपना देखना कोई क्राइम भी नहीं। तो आपको जो सही लगता है करें, आपका अधिकार है, लेकिन दुख की बात यह है कि हकीकत पहचानने की जब लोग कोशिश नहीं करते हैं तब दुख होता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की दिक्कत कैसे बढ़ी? क्योंकि देखिए, जब जमानत के लिए मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट गए थे तो वहां पर उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि सिसोदिया इकलौते नहीं है इस पूरे कांड में, और भी लोग हैं, तो फिर सजा जो है वो सिर्फ सिसोदिया को क्यों मिले? तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे उनका इशारा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ था या बाकी जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के उनकी तरफ था। तो क्या यही एक स्टेटमेंट उनके गले की फांस बन रही है या इसके अलावा भी और बहुत कुछ है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है? देखिए, निश्चित रूप से एक वकील और एक मुवक्किल के बीच में, सिसोदिया साहब और उनके वकील में क्या बात हुई, ये तो प्रोप्राइटरी उनका है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, ना हम उसके बारे में जानते और ना हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अब रही बात कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा कि मैं अकेला थोड़ी था, तो निश्चित रूप से सिसोदिया साहब ने ब्रीफिंग तो अपने लॉयर को की होगी कि कौन कौन लोग शामिल थे, किसका क्या रोल था, सिसोदिया साहब का क्या रोल था, क्योंकि जब तक वकील को नहीं पता होगा तो वो पक्ष कैसे रखेगा। तो अगर उनके वकील ने बोला कि सिसोदिया अकेले नहीं थे और भी कई लोग थे, तो वाजिब बात है कि भाई जूनियर को तो सिसोदिया साहब निपटा ही सकते थे ना, वो तो बॉस थे, तो अपने जूनियर की तो वो शिकायत करेंगे नहीं कि और भी लोग थे, जूनियर ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया, ऐसा तो होता नहीं है, तो कोई सीनियर ही होगा। और जब आप डिप्टी सीएम हैं तो आपके ऊपर सीनियर कितने हैं, एक, और तो कोई है ही नहीं। तो इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाहते थे, और भी लोग थे जिनका रोल था, क्योंकि मैं तो डिप्टी सीएम था, मेरा तो रोल मान लीजिए 10% रहा होगा या 20 रहा होगा या 40 रहा होगा,
तो मेरे साथ और भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनका वेट मेरे से ज्यादा था, उनकी भी तो रोल में, उसमें तो मतलब भागीदारी है, तो मुझे क्यों फंसा रहे हो? तो दैट इज इनडायरेक्टली एडमिशन कि केजरीवाल साहब हैड ए रोल टू प्ले। और मेरे को लगता है कि आज जो सीबीआई ने बुलाया है इन्हीं चीजों को क्रॉस चेक करने के लिए बुलाया होगा कि सिसोदिया साहब ये बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है? अब देखते हैं क्या जवाब होता है उनका। लेकिन जिस तरह से जो के कविता के सीए बुच्ची बाबू हैं, जिन्होंने विजय नायर को लेकर स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि वो जब जब के कविता से मिला तो उनका नुमाइंदा बन के मिला, उनके बिहाफ पर मिला, बल्कि फेस ऑफ ऐप पर एक बातचीत भी हुई थी जिसमें ये भरोसा दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ये उनका ही आदमी है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स भी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही जाती हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आफ्टर ऑल जब सीबीआई यहां तक पहुंची है तो बहुत कुछ सीबीआई के पास हो, इसको स्पेकुलेटिव रोल में मैं नहीं जाता हूं जनरली, क्योंकि मेरे पास जब तक फैक्ट्स नहीं होते हैं मैं क्लेम नहीं करता किसी चीज का। लेकिन जहां तक बात है कि क्या ये हुआ होगा, निश्चित रूप से अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया है, अखबार में छपा है और किसी ने उसका खंडन नहीं किया है, तो वन हैज टू एक्सेप्ट इट एज ए फैक्ट। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं और मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, तो मुझे तो मानना पड़ेगा ना, या जो पढ़ेगा उस न्यूज को वो तो मानेगा कि ये सच है, क्योंकि इसका स्टेटमेंट का किसी ने खंडन नहीं किया है। केजरीवाल साहब ने भी आज तक नहीं कहा कि मैंने बोला ही नहीं किसी को, मैं जानता ही नहीं। और अगर आप जानते नहीं थे तो फिर आपने, और आपको लगता है कि आपका नाम लेके विजय नारायण ने कुछ गड़बड़ करी है, तो आज तक केजरीवाल साहब ने एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करी कि कोई आपके नाम का मिसयूज कर रहा है, आपके नाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और वो भी इतने संगीन करप्शन मामले में जिसमें आपने किसी को ऑथराइज ही नहीं किया, तो आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? कॉमन सेंस है ना? फिर पुलिस उसको पकड़ के तफ्तीश करेगी कि भाई व्हाई यू आर टेकिंग नेम ऑफ केजरीवाल, तो फिर अगर उसके पास साक्ष्य होंगे तो वो देगा, नहीं होंगे तो जेल जाएगा, उसकी एक और केस उस पर बनेगा। कम से कम केजरीवाल साहब तो बरी हो जाएंगे। तो केजरीवाल साहब ये बेसिक कर्टसी क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने मान को बचाने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए कम से कम ये बेसिक तो करना चाहिए था। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको पता है कि शायद अगर मैंने कर दिया तो उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि सच्चाई तो देखिए, एक बात बात को माननी पड़ेगी कि सच्चाई क्या है, केजरीवाल साहब को पूरी तरह पता है। चाहे वो कुछ भी बोले, किसी को भी बोले, कहीं पे भी बोले, टीवी में बोले, विधानसभा में बोले, कहीं भी बोले, केजरीवाल साहब को सच्चाई पता है। लेकिन वो इग्नोरेंट होने की या तो कोशिश कर रहे हैं या ओवर स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सच्चाई पता है, लेकिन तुम उस तक पहुंच नहीं पाओगे, या तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता। जी जी, आपने जैसे कहा ना कि अगर विजय नायर उनका नाम ले रहा है या बुच्ची बाबू उनका नाम ले रहे हैं तो अपनी इमेज के लिए तो कॉन्शियस अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए, लेकिन आप देखिए उनके पिछले 2 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ईडी और सीबीआई के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, उन जांच एजेंसियों के खिलाफ तो आवाज उठाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन जो सीधे सीधे उनकी इमेज को टार्निश कर रहे हैं उनके खिलाफ वो जुबान नहीं खोल रहे, कानून का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी के खिलाफ आप मानहानि कर ही नहीं सकते। मतलब जनता को, अनफॉर्चुनेटली बात यह है, कल को आप जजेस के खिलाफ मानहानि करेंगे, कल को अगर आपको कोर्ट में एज ए विटनेस बुलाया जाएगा तो आप कहेंगे मैं तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मानहानि की बात कर रहा हूं, कैसे उन्होंने स्ट्रिक्चर पास कर दिया। ये सब बचकानी बातें हैं, दिस शोज डेस्परेशन एंड इग्नोरेंस। तो इन चीजों पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। कुल मिला के जो आपको काम करना चाहिए आप कर नहीं रहे, जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आप कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के खिलाफ काम करेंगे। अरे तो भाई इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आपको बुलाया जाए, पूछताछ की जाए, और अगर आप बेगुनाह है तो आपको छोड़ दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन का मतलब तो यही होता है ना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्राइम थोड़ी होता है, वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि आप क्या नाम आया है, क्या आप आके अपने पक्ष को रखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्राइम, इसमें मानहानि क्या हो गई? तो ये केजरीवाल साहब को लगता है कि शायद दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी वही हैं, तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी वही हैं,
और सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव शायद आदमी वही है, मतलब दुनिया के सारे पॉजिटिव विश्लेषण है वो सब उन्हीं के खाते में आते हैं, बाकी तो दुनिया घास खाती है, अकेले रोटी तो वही खा रहे हैं। तो अब क्या बोला जाए, फिर कभी 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 उनकी कभी जो लगता है कि ज्यादा बोल के टाइम ही वेस्ट होता है। लेकिन फिर आप ये सोचिए कि संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद है उनको देख लीजिए, वो भी किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पिछले 4-5 दिन या 1 हफ्ते से, आप देखो वो भी लगातार जांच एजेंसियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने तो ईडी पर अरे यहाँ तक क्या आरोप लगा बोलेंगे, दिया देखिए कि कुछ लोगों को मैडम वो मारा क्या भी बो, गया, जबरदस्ती उनसे से ईडी ने जबरदस्ती उनसे स्टेटमेंट लिखवाए, उनके कान के पर्दे फाड़ दिए। तो ईडी तो इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है ना, उनका तो ऑन कैमरा पूछताछ होती है। देखिए ऐसा है कि अगर उस आदमी के कान के पर्दे फाड़े, उसको सामने ले आते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या दिक्कत थी? आप उसका नाम पढ़ रहे हो, उसको बुला लाते कि बैठ बेटा मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि देखो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते। 50 फोरम है ना ये, मतलब कि ओरल डायरिया क्यों, प्रूफ क्यों नहीं? आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, प्रूफ एक नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम क्या है भाई? बगैर प्रूफ के कौन आपकी कहानी सुनेगा? ये जमाना गया कि जब आप कहा करते थे कि साहब ये फोकलोर्स हैं, कि एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, और दुनिया में वो कहानियां चलती रही। ये पंचतंत्र की कहानियां नहीं है, वो भी थैंकफुली डॉक्यूमेंटेड है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि यहां पे हमें ये समझना होगा कि ये जो जितना बोल रहे हैं, जब तक ये लोग एविडेंस नहीं दिखाते, मैं तो जनता को ये कहूंगा जब तक ये लोग एविडेंस नहीं दिखाते, आप इनके किसी भी स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे ना लें। हाँ एज ए स्टोरी टेलिंग हो सकती है, आपको टाइम पास करना है, आपके पास और कोई काम नहीं है और आप फुर्सत में हैं, तो जरूर सुनिए ये स्टोरीज। लेकिन सवाल तो ये पूछिए ना कि आप जो कह रहे हैं कान के पर्दे फाड़ दिए, वो आदमी कहाँ है? वे आप कान का पर्दा फट सकता है, तो कौन सी तारीख को आपको लेके गए थे ईडी में, और आप कौन सी तारीख को डॉक्टर के पास गए थे? ये तो सब प्रूफ होंगे ना कि मान लीजिए 1 तारीख को ईडी ने बुलाया, उस दिन आपका कान का पर्दा फट गया, सुबह सुबह 2 तारीख को आप पहुंच गए। ऐसा तो है नहीं कि फिर आप 4 महीने बाद डॉक्टर के पास जाएंगे कि सर मेरा देखो जनवरी में पर्दा फाड़ दिया था, ठीक कर दो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कहानियां हैं, जब तक बोलने वाले एविडेंस नहीं दें, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, संजय सिंह हो, उनके जितने भी, ये देखो ये सब इनकी मजबूरी समझो आप, इसलिए मैं इन लोगों को दोष नहीं देता। आम आदमी पार्टी जब ये संगठन बना, इन सब लोगों का वजूद एक ही चीज पे था कि ये सब केजरीवाल के रहमो करम पे थे, और इनमें से किसी के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनके पास जबान भी नहीं है, इनके पास सिर्फ गंदी जबान है। गंदी जबान मतलब दूसरों को गाली देना, जबान का मतलब होता है अपनी बात रखना दृढ़ता से फैक्ट्स पे, उसको जबान देना कहते हैं। कहते हैं ना मुहावरा है ना कि मैंने अपनी जबान दी है आपको, मतलब यू ट्रस्ट मी। इन लोगों के पास जबान नहीं है और ना ही रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन केजरीवाल ने साइड कर दिया, इनका आगे पीछे कुछ नहीं बचेगा, ना तो इनके पास कोई मास बेस है कि वापस चुनाव लड़के ऐसे निर्दलीय आ जाएंगे, और अगर केजरीवाल साहब ने की नजरें, जिसे कहते हैं ना कि नजरें इनायत नहीं हुई या नजरें फिर गई, तो इनका तो कैरियर खत्म है। तो इनकी मजबूरी है केजरीवाल साहब की स्तुति करना, नहीं हो तब भी बताना कि दुनिया के सबसे महान आदमी है वो, ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ये सब अपने अपने रोजगार को बचाने में लगे हुए हैं, और ये होता है ना, हम क्या प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखते? मालिक कुछ भी उल्टा सीधा बोले, जिसको नौकरी बचानी होती, कहता सर ग्रेट आइडिया, होता है ये, कंपनियां डूब जाती हैं इस चक्कर में, लेकिन वो आदमी 5-7-10 साल अपनी नौकरी करके तनख्वाह लेके घर चला जाता है या रिटायर हो जाता है, अब उसके बाद कंपनी जिए या डूबे उसको क्या लेना देना, उसका तो काम हो गया, उसकी जिंदगी तो निकल गई। तो 90% लोग ऐसे ही हैं, सच नहीं बोलते। तो जो लोग बोल रहे हों तो इन बातों को लेके ज्यादा सीरियस होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन सर मैं ये जरूर चाहूंगी आपसे पूछना कि सीबीआई और ईडी की पूछताछ में फर्क क्या होता है, क्योंकि आप देखो ईडी पे जिस तरह की मारपिटाई के आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि बार बार वो यही बात हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं, तो आम जनता उस फर्क को समझ नहीं पाती है कि उनको लगता है कि शायद जिस तरह से सीबीआई बोलते हैं ग्रिलिंग करती है और उससे पूछताछ करती है, और ईडी भी शायद ऐसी पूछताछ करती हो,
तो मैं चाहती थोड़ा सा फर्क आप जरूर बताएं कि सीबीआई की पूछताछ कैसी रहती है और ईडी की पूछताछ में क्या अंतर है। देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि सीबीआई और ईडी कोई जेब कतरों की तो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, जो थाने में होती है। सीबीआई तक कौन पहुंचेगा? एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए ना। सीबीआई तक कौन सा मामला पहुंचेगा? आप और हम जाके तो एफआईआर नहीं कर सकते ना सीबीआई ऑफिस में। तो आम आदमी के मुद्दे तो हट गए कि किसी ने मेरी कार चुरा ली, जेब काट ली, हम पहुंच गए सीबीआई सर इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सीबीआई की जांच तभी होती है जब सरकार उसको रिकमेंड करती है या कोर्ट रिकमेंड करता है, और किसी का अधिकार ही नहीं है। अब आप बताइए कि कोर्ट या सरकार अगर रिकमेंड करती है तो क्या वो आलतू फालतू काम के लिए करेगी और कोई काम नहीं है उनके पास? अनलेस अदरवाइज की मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो, नेशनल इंटरेस्ट का हो या नेशनल एसेट्स का हो, उसके अलावा क्यों कोई टाइम वेस्ट करेगा? उसके लिए लोकल पुलिस है ना, और हर राज्य में पुलिस है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और जहां तक बात है ईडी की, तो ईडी का काम कोई जेब कतरों से डील करना थोड़ी है। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कहीं पे पैसे का लेन देन है और उनको लगता है कि कानून के हिसाब से ये लेन देन नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ईडी इंटरवीन होती है। ईडी इंटरवीन होती है, ईडी के पास पावर है। अगर उनको लगता है कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है या ये जो एसेट्स हैं, चाहे बिल्डिंग है, बैंक अकाउंट है, जो भी है, उसको हम सीज करते हैं, नहीं तो ये पैसा चोर निकाल के भाग जाएंगे या इसको ट्रांसफर कर देंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, विदेश भेज देंगे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ पॉसिबल। तो ईडी सबसे पहले तो जो डाउटफुल एसेट्स होते हैं उनको अटैच करेगी, जो डाउटफुल लोग हैं उनको बुला के पूछेगी आपका अकाउंट है या नहीं है, ये पैसा आपका कहाँ से आया, आपकी इनकम तो इतनी है नहीं, जवाब दीजिए। अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो ये करप्शन का पैसा है, या एक्सट्रॉशन का पैसा है, या टेररिज्म का पैसा है, या ड्रग्स का पैसा, और कहाँ से आएगा पैसा? अगर आपकी तनख्वाह का पैसा है तो आप पे स्लिप दिखा दोगे ना। अगर आपका बिजनेस का पैसा है तो आप दिखा दोगे ना बैलेंस शीट के, देखिए साहब मैंने इतना माल खरीदा, इतना बेचा, ये पेमेंट आया था, ये रखा हुआ है, इसमें दिक्कत का है? तो अगर आपका अनअकाउंटेड मनी है, सोर्स कुछ भी हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे थ्रेट हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो जो इलीगल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन है उसी का तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ईडी का काम सिर्फ इतना है, ये पता करना कि साहब ये जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या ये ऑनेस्ट डिक्लेयर्ड फॉर सोर्स है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहां से आई, किसने दिया और किसको भेजा गया, या तो आया या गया, ट्रांजेक्शन तो तभी होगी। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई हैं क्या ये लॉजिकल थी, विद इन लॉ थी या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनका मोटिव क्या था, उनको बुला के पूछताछ कीजिए। अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो घर जाएं, नहीं दे पाते या वो पता लगता है कि नहीं इन्होंने तो इलीगल ढंग से ये काम किया है, तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। यही काम ईडी का है, और सीबीआई भी इसी तरह का। मेनली जो करप्शन है, प्रोसीजर्स हैं, जो सरकारी सिस्टम है, अगर कोई उसका वायलेशन करता है या कोई और ऐसा काम होता है जिससे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होता है, उसकी बेस्ड ऑन स्कोप ऑफ वर्क, चाहे वो कोर्ट हो या सरकार हो, वो बताती है कि आप इस जरा केस के तख्त पे जाइए, फैक्ट्स निकाल के सामने लाइए, बताइए क्या स्थिति है। और उनके पास बाकी जो पावर्स होती हैं वो भी दी हुई हैं, क्योंकि हर आदमी पूछने से तो बताएगा नहीं। अगर घपला हुआ है दिल्ली लीकर पॉलिसी में, अगर आम आदमी पार्टी इतने ईमानदार रहते तो खुद ही कहते हाँ जी गलती हुई हमसे, खत्म हो जाती कहानी 1 साल पहले ही। ये तो आज तक कह रहे हैं कि हमसे ईमानदार कोई नहीं है, और देने वाले कहते हैं इन्होंने लिए, लेने वाला कहता है जी हमने तो लिए ही नहीं, तो गए कहाँ? जिसने दिए वो बोल रहा है, जिस जो मीडिएटर था वो बोल रहा है, जिसने पहुंचाया वो बोल रहा है, लेकिन लेने वाला कहता है जी मैंने नहीं लिए, तो उसका क्या मतलब है? तो ये वाली बात है। तो अब जब सीबीआई पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि एक बार और, एक या दो बार और केजरीवाल को बुलाए, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईडी भी क्या बुला सकती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब तो दोनों जांच एजेंसियां जो है उनके सबूत साक्ष्य सब मिला जुला कर ही काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल भी आ सकती है। देखिए, सच्चाई तक पहुंचना तो अधिकार समाज का है ना, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि एक ने बुला लिया तो दूसरा नहीं बुलाएगा। स्कोप ऑफ हर एक का अलग है। अगर एक ही होता तो
दिक्कत क्या थी? तो फिर दो एजेंसी बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही से काम चल जाता। तो दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर उनको लगता है कि नहीं, आम आदमी के जो काम करने के तरीके थे व्हाटएवर, उसके बाद दिक्कत इसमें ये हो रही है कि इसमें मान लीजिए फॉरेन ट्रांसफर हुआ है पैसे का, या इससे आए तो 100 करोड़ थे, चंदे में गए 50 करोड़, तो 50 करोड़ किन किन नेताओं की जेब में गए, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन बाकी है ना। इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी या नहीं करी, भाई इतने ईमानदार तो ये लोग हैं कि सीधा सीधा वैगन आर छोड़ के सरकारी बंगले में आ गए, तो ईमानदारी का तो परिचय है ही, जिसके आधार पे इन्होंने जनता को टोपी पहनाई थी, आम आदमी की टोपी पहनाई थी ना सबको, कि भाई हम तो ईमानदार कोई नहीं होगा, हम तो पूरी जिंदगी वैगन आर में चलेंगे। वो कहाँ है वैगन आर? वो सिक्योरिटी हम नहीं लेंगे, बंगला हम नहीं लेंगे, वो सब कहाँ गया? वो आइडियोलॉजी कहाँ गई? तो ये तो देखिए मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं जनता को। जैसे कहते हैं सेल्समैन का काम क्या होता है? एक्सपोर्ट क्वालिटी, बेस्ट टेक्नोलॉजी करके वो माल बेच देता है, फिर आप घर आके सिर पकड़ के बैठ जाते हो, यार ये तो चल ही नहीं रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। सेल्समैन है ये लोग, अपना माल बेच के निकल लिए, झुंझुना आपको पकड़ा दिया, अब आप झेलते रहो। बिल्कुल। और अब तो जिस तरह से फंस गए वो झुंझुना, भले ही लोगों को पकड़ा दिया, लेकिन वो झुंझुना जांच एजेंसियों को नहीं पकड़ा पाएंगे, वहां तो सबूतों के साथ ही पूछताछ हो रही है। तो अब देखना ही होगा कि आज की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को न्योता दोबारा कब मिलता है और ईडी का शिकंजा उन पर कब कसता है। आपने फिलहाल जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी विजय जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।